इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है। बदायूं के सहसवान स्थित फायर स्टेशन पर रोजाना शराब पार्टी करने की शिकायत एक होमगार्ड ने एएसपी देहात से की है। होमगार्ड ने शिकायती पत्र में कहा है कि फायर स्टेशन पर हर दिन शराब पार्टी होती है। यही नहीं, होमगार्ड ने मैखाने में तब्दील फायर स्टेशन का एक वीडियो भी एएसपी देहात को सौंपा है। बहरहाल इस मामले की जाँच अब सीओ सहसवान को सौंपी गई है। बदायूं के सहसवान फायर स्टेशन पर गिलास में जाम छलकाते हुए एफएसओ अग्निशमन अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो अलग अलग दिन के हैं। कहा जा रहा है कि यहां हर दिन महफिल जमती है जिसमें जाम छलकते हैं। कोई कुछ कहता है तो उसमें अभद्रता की जाती है। इस मैखाने की पोल खोलते हुए एक होमगार्ड ने साहस दिखाते हुए इसकी शिकायत एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा से की है। होमगार्ड राम कुमार ने बताया कि फायर स्टेशन का इस समय बहुत बुरा हाल है। शाम के समय फायर स्टेशन मैखाने में तब्दील हो जाता है। अग्निशमन अधिकारी पूरन लाल सोलंकी को जब पता चला कि होमगार्ड के पास वीडियो है तो पहले उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और उससे अभद्रता करते हुए उस पर हमला बोला गया। यही नहीं, होमगार्ड ने एक महिला का सच भी उजागर किया जिससे अग्निशमन अधिकारी अपना आपा खो बैठा। होमगार्ड का आरोप है कि विगत रात्रि उसकी नाइट ड्यूटी थी कि एक महिला फायर स्टेशन पर आई जिसे उसने अंदर जाने से रोक दिया। यह बात अग्निशमन अधिकारी को नागवार लगी और उसने होमगार्ड को खरी खोटी सुनाई। बहरहाल अब देखना यह है कि अग्निशमन अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इंडिया पावर न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। रुपया